This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें ग्रेस मार्क दिए गए थे। केंद्र ने कहा कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग चलती रहेगी और हम इसे नहीं रोकेंगे। यदि परीक्षा होती है तो सब कुछ समग्रता से होता है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर कर कहा है कि वो टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि यमुना के दूसरे किनारे से पानी ले रहे हैं जो हरियाणा में पड़ता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान कपिल दास उइके का पार्थिव शरीर आज उनके गृहग्राम छिंदवाड़ा जिला के बिछुआ ब्लॉक अंतर्गत पुलडोहा पहुंचेगा। अरुणाचल प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही है। ईटानगर में आज पेमा खांडू सीएम पद की शपथ लेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को कुवैत में मरने वाले भारतीय मजदूरों को लेकर केंद्र से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कुवैत अग्निकांड हादसे में 41 भारतीयों की हुई मौत अत्यंत दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 जून तक इटली के अपुलिया में आयोजित होने वाले 50वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज इटली के अपुलिया की यात्रा करेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां भक्तों के लिए चारों द्वार खोले जाने हैं। पुरी के सांसद संबित पात्रा, बालासोर के सांसद प्रताप चंद सारंगी और पार्टी के अन्य मंत्री और नेता भी मौजूद हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह आज कुवैत जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुवैत में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, पीएम समेत हम सभी बहुत चिंतित है। मुंबई में महिला ने ऑनलाइन ऑर्डर कर आइसक्रीम मंगवाया था, इसके अंदर उसे इंसान की कटी हुई उंगली मिली है। पुलिस ने इसे जांच के लिए FSL को भेजा है। महाराष्ट्र में अब सभी नेताओं की नजर विधानसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार की पार्टी को NDA से झटका लगने वाला है। पुणे पोशे एक्सीडेंट केस में अब नया खुलासा हुआ है। पुलिस को रिश्वत लेते अस्पताल के कर्मचारी का एक CCTV फुटेज मिला है। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे की ओर से कोकण स्नातक और नासिक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवारों की घोषणा पर नाराजगी व्यक्त की थी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को NCP ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामित करने का फैसला किया है। वह आज नामांकन दाखिल करेगी। एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के नेता राहुल शिवारे ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर मानहानि का आरोप लगाया है। वही शिवसेना UBT के नेताओं का दावा है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमें 400 पार के नारे का नुकसान हुआ है। इस पर NCP अध्यक्ष ने कहा कि CM शिंदे अनुभवी है, अगर उन्होंने कहा है तो सही कहा होगा। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे चौथी बार अनशन पर बैठे हैं। वही आज इस अनशन के दौरान मनोज जरांगे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। भारतीय शेयर बाजार लगातार नई ऊंचाई छूता जा रहा है। घरेलू निवेशकों की जबरदस्त खरीदारी के दम पर स्टॉक मार्केट कुलाचे भरा है। 430 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का BSE कैप हो चुका है। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 राउंड में जगह बना ली है। न्यूयॉर्क में खेले गए छोटे स्कोर वाले एक और रोमांचक मुकाबले में भारत ने मेजबान अमेरिका को 7 विकेट से हरा दिया। सनी देओल एक बार फिर से अपना खोया हुआ स्टारडम हासिल कर चुके हैं। गदर 2 की सक्सेस के बाद हर किसी को उनकी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट का इंतजार था। इसके बीच सनी देओल ने अपनी अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट कर दी है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।